सागर जिले की देवरी विधानसभा के महाराजपुर के ग्राम पंचायत भराई से मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने किए नमामि गंगे अभियान की शुरुआत। उसके बाद पहुंचे ब्लॉक केसली के टूडा के पास कुलकुडोंगरी से निकली सुनार नदी, जो गौर झामर रहली गढ़ा कोटा हटा होते हुए गौसाबाद तक जाती है, जिसके उद्गम स्थान के ऊबड़ खाबड़ रास्ते के कारण कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ट्रैक्टर को चलाते हुए पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश में चल रहे नमामि गंगे अभियान के तहत पूजा अर्चना की। अचानक बारिश हो जाने के कारण उन्हीं ने खुद ट्रैक्टर चलाया और उद्गम तक पहुंचे और पूजा अर्चना कर कुल डोंगरी माता के मंदिर में लोगों को संबोधित किया। नदी के उद्गम के बारे में बताया, नदी के पानी से लाभ तो सभी लेते हैं और उस स्थान पर कभी नहीं जाते जहां से उद्गम हुआ है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह जी, समस्त भाजपा कार्यकर्ता और कुल डोंगरी और आसपास गांव के लोग मौजूद रहे। जल गंगा अभियान का आज तीसरा दिन है। पहले दिन में भेदभाव के उद्गम पर था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद थे। कल मैं उमर और सिंगरी नदी, एक नरसिंहपुर में उसका उद्गम था, दूसरा सिवनी जिले में। आज मैं दो उद्गम पर अभी तक पहुँचा हूँ। एक ब्यारमा जो दमोह को जीवनदान देती है, दूसरी है सुनार का उद्गम जो सागर और दमोह को जीवन देता है। अब मैं पहाड़ के उस पार जाऊँगा, यहाँ पर धसान और बीना का उद्गम है। ये प्रकृति का सौंदर्य है कि पहाड़, उसी पहाड़ से एक नदी निकलकर पुल की तरफ जाती है और बाकी नदियाँ पश्चिम की तरफ जाती है। मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। आज मैं एक दिन में चार नदियों के उद्गम को देखूंगा। ये जो मानस यात्रा है, ये मानस यात्रा जरूर परिणाम लाएगी। हम अपने बच्चों के लिए एक पौधा ज़रूर लगाएं और इसके जीवन की गारंटी दें, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य व्यवस्थित बनेगा। यही आग्रह करता हूँ। EMS TV के लिए देवरी से संवाददाता निखिल सोधिया की रिपोर्ट।